नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी भाइयों का फौजी सक्सेस पॉइंट पे। तो AOC वाले हो, पूरा दिन ये ऐसे ही निकल जाता है कि मतलब सभी ग्रुपों में मैसेज कर करके कि कब तक ज्वाइनिंग होगी, कब तक ज्वाइनिंग होगी, प्रमोशन क्या रहेंगे, क्या क्या सैलरी रहेगी, ये पूरे दिन मैसेज करके। तो अगर ज्वाइनिंग के बारे में आज हम बात करेंगे कि ज्वाइनिंग कितने दिन में क्या आ जाएगी। तो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम्प्लीट हो गया है आपका, सबसे पहले बात ये है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम्प्लीट होना चाहिए। जो यूनिट की रिक्वायरमेंट्स हैं कि ये डॉक्यूमेंट आपके वहाँ पे होने चाहिए और इनकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। जब तक वो वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक ज्वाइनिंग का कोई सवाल नहीं है, और ज्वाइनिंग उसी के बाद आएगी। एक भाई थे गोपालवास के, आज उनसे बात हुई थी, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है फायरमैन की पोस्ट के लिए। तो वो बता रहे थे कि भाई 10 तारीख को उनका इश्यू हुआ था वहाँ से, 10 अगस्त को, और उन्होंने अब 30 तारीख को जो लास्ट गई है उसको ज्वाइन किया है चेन्नई के अंदर। तो उसका 20 दिन के अंदर जो वहाँ से सिकंदराबाद पहुँची थी फाइलें, यहाँ से अप्लाई हो गई थी सिकंदराबाद के लिए, तो 20 दिन के बाद उसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया था। तो ऐसे ही आपका भी जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा तो आपका भी ज्वाइनिंग लेटर वहाँ से इश्यू हो जाएगा। लगभग 15 से 20 दिन लगेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ पे मैंने उसको काम के बारे में पूछा कि क्या क्या काम चल रहा है, मतलब तो वो बता रहा था कि ड्रिल्स वगैरह हो रही हैं और जो रनिंग भी होती है थोड़ी बहुत है, जो आर्मी वाली वैसी तो नहीं होती लेकिन थोड़ी सी सुबह जाते ही एक बार रनिंग करवाते हैं और घास कटवा रहे हैं एक बार, और कि घास कटवाएंगे पहले शुरू में जाके। कोई फायरमैन हो ट्रेडमैन हो तो वैसे जो लोकेशन है उसको साफ सफाई वगैरह तो वो सभी से करवाने वाले हैं। तो ये था दोस्तों इसके बारे में, और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लो, ज्वाइनिंग अपने आप आ जाएगी। 15 से 20 दिन के अंदर आपकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें ना करें। धन्यवाद।